मे और मे नॉट हिट द मंकी इट विल डिपेंड अपॉन दैलॉसिटी ऑफ द बुलेट तो यहाँ पे देखो डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया हमारे पास देखो एक ट्री है इस ट्री के ऊपर यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है यहाँ पे देखो एक हमारे पास हंटर है जो ग्राउंड पे है हंटर क्या करता है इस मंकी को मारना चाहता है विद द हेल्प ऑफ गन तो हंटर क्या करता है गन को मंकी की तरफ डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है और गन को फायर करता है तो जैसे ही मुमें, जिस मोमेंट पे गन यहाँ पे देखो इस सॉरी बुलेट इस गन के बैरल से बाहर आती है उसी मोमेंट में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास जो ये मंकी है फ्री फॉल करता है फ्री फॉल करने का मतलब इस मंकी का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सलेशन होगा जी के बराबर होगा अच्छा अभी मान लेते हैं हमारे पास मंकी फ्री फॉल नहीं कर रहा है रेस्ट में है आपने क्या किया गन को फायर किया देखो गन के बैरल से बुलेट बाहर आएगी मान लेता हूँ कि बुलेट देखो यू स्पीड से बाहर आई ठीक मान लेता गन ने गन को आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे टुवर्ड्स द मंकी आपने पॉइंटर किया हुआ था तो बुलेट भी देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इस गन से बाहर निकलेगी जैसे ही बुलेट बाहर एयर में आएगी इस बुलेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा तो बुलेट का जो एक्सेलरेशन होगा ए होगा होगा वो किसके बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेशन हो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे वो किसके बराबर होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है अब ये हमारे पास देखो जो ये बुलेट है क्या डायरेक्टली अगर ये मंकी रेस्ट में रहता तो मंकी को हिट करती नहीं क्योंकि अब ये बुलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन है और देखो बुलेट कैसे मोशन करेगी बुलेट यहाँ पे ऐसे से जाएगी और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पहुंच जाती और मंकी को हिट नहीं करती लेकिन क्वेश्चन में मंकी रेस्ट में नहीं है जिस मोमेंट पे बुलेट बैरल से बाहर आती है उसी मोमेंट पे ये हमारा जो मंकी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है फ्री फॉल करता है फ्री फॉल का मतलब कि जो मंकी का एक्सलरेशन है जी के बराबर है तो देखो मंकी का भी डायरेक्शन पे जी के बराबर है इट मींस कि जितना ये बुलेट नीचे गई है मंकी का भी एक्सेलरेशन जी के बराबर ही तो है और बुलेट का भी एक्सेलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जी है तो देखो बुलेट क्यों नीचे गई क्योंकि बुलेट का भी एक्सेलरेशन जी के बराबर था और मंकी नीचे जा रहा है मंकी का भी एक्सलरेशन जी के बराबर है इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट एंड एक्सलरेशन ऑफ मंकी दोनों सेम है इट मींस डेफिनेटली ये बुलेट मंकी को जाके हिट करेगी कब जब मंकी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा तो तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो बुलेट है मंकी को हिट करेगा क्यों करेगा क्योंकि बुलेट का जो एक्सेलरेशन है आखिर आप सोचिए बुलेट क्यों नीचे गई क्योंकि बुलेट का एक्सेलरेशन जी के बराबर था और मंकी क्यों नीचे जा रहा वो भी सेम एक्सेलरेशन जी से जा रहा है इट मीन्स कि बुलेट मंकी को हिट करेगी इस केस में लेकिन अगर मंकी रेस्ट में रहता तो बुलेट उसके नीचे निकल जाती क्लियर? दोनों केस मैंने पे डिस्कस कर गो बिलो द मंकी नहीं अगर मंकी फ्री फॉल करेगा हाँ बुलेट तो नीचे जा रही है तो मंकी भी नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे से हिट करेंगे थर्ड कह रहा है हिट द मंकी बिल्कुल सही है जो ये बुलेट है मंकी को हिट करेगी और इसी केस में हिट करेगी जब ये हमारा मंकी फ्री फॉल कर रहा होगा क्योंकि तो बुलेट का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं बट इट मीन्स कि दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को हिट करेंगे ऑप्शन फोर कह रहा है मे और मे नॉट हिट द मंकी इट विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये गलत है ये दोनों हिट करेंगे वो डिपेंड कर रहा है दोनों का एक्सेलरेशन सेम था अगर आपने कुछ

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर